हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको देखिए फोर्टेक्स ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग बताऊंगी। 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे एंड इस ब्लाउज़ का जो कंप्लीट मेजरमेंट है आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए 1 मीटर मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है और 1 मीटर ही मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले देखिए, हम अस्तर वाले कपड़े को सीधा कर लेंगे आयरन लगा के हमें इसको। और कपड़े को देखिए, मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है। यहाँ से इसकी फोल्डेड साइड है, नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके हम कपड़े को सीधा करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें लेंथ के लिए निशान लगा लेना है। तो हमारी ब्लाउज़ की तैयार लेंथ यहाँ पर देखिए 15 इंच है, तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर लेंथ के लिए 16 इंच पर निशान लगा लेना है। जितने भी आपके ब्लाउज़ की तैयार लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर इसमें शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर देखिए, हम डीप नेक के अकॉर्डिंग इसमें देखिए शोल्डर का हम हाफ करेंगे। 16 इंच हमारे यहाँ पर शोल्डर है, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर 8 इंच आएगा। और देखिए, इसमें से हमें 1.5 इंच कम कर देना है क्योंकि पीछे का गला हमारा देखिए यहाँ से 9.5 से 10 इंच तक खुला है इसलिए। तो शोल्डर के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाया है और आर्म होल के लिए भी हमें 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे बैक में इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए, इसको ऊपर की तरफ हम तिरछा मिलाएंगे और 1 इंच की हम यहाँ पर देखिए आर्म होल्स में गोलाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम फ्रेंच क्रोच से देखिए इसमें गोलाई कर देंगे आर्म होल में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा यहाँ पे 40 इंच है तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10 इंच आएगा। और इसमें हम यहाँ पर 1/4 इंच की लूजिंग देंगे 0.25 इंच की। तो फिटिंग के लिए हम यहाँ पर 10.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ से हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे। और यहाँ पर हमें कमर का भी 4th पार्ट कर लेना है। कमर हमारी यहाँ पर देखिए 34 इंच है तो इसका 4th भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। और 1 इंच हम यहाँ पर बैक प्लेट्स के लिए लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रख लेंगे। और इन निशान्स को देखिए स्केल की हेल्प से यहाँ पर मिला देंगे। अभी देखिए, यहाँ पर हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ हम यहाँ पर देखिए 2.75 इंच रखेंगे। हम बैक में डोरी लगाएंगे। अगर आप बैक में डोरी नहीं लगा रहे हो तो आप यहाँ पर 2.5 इंच भी रख सकते हो नेक विड्थ। और नेक लेंथ के लिए हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे। तैयार नेक हमारा यहाँ पे 9.5 इंच है। और नीचे से देखिए, नेक को हम थोड़ा सा फैलाएंगे, इसको ब्रॉड रखेंगे। तो नीचे से मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगाया है और इन निशान्स को तिरछा इस तरीके से स्केल से मिला देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नेक में एक डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इस डिज़ाइन को देखिए ड्रॉ कर लेंगे। ये पंचकोना शेप हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, तो बैक पार्ट की यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको हम कट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी देखिए, यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए कपड़े की ओपन वाली साइड है। यहाँ पर देखिए हम बैक पार्ट को रखेंगे। पहले देखिए, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हुकाई पट्टी के लिए हमें 1/2 इंच जितनी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए 1/2 इंच जितनी जगह हमें एक्स्ट्रा छोड़ देनी है हुकाई पट्टी बनाने के लिए। तो जो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के ऊपर देखिए हम बैक पार्ट को रखेंगे इस तरीके से। और ऊपर से देखिए, इसको हम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। और आर्म होल की तरफ से भी देखिए हमें एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। इसमें जो हम गहराई करेंगे वो बाद में करेंगे।
और देखिए फ्रंट पार्ट में जो अभी यहाँ पर चेंज करने हैं वो देखिए आर्म होल की तरफ से इसको हमें आधा इंच बढ़ाना है, और यहाँ बीच में से देखिए इसको हम डेढ़ इंच बढ़ाएंगे 1.5 इंच, और स्केल की हेल्प से यहाँ पर इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ पर इसमें टैक्स आएगा, इसके लिए हमें बढ़ाना है। और इसकी लेंथ है इसको हम यहाँ पर देखिए 1 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम जो बेल्ट जॉइंट करेंगे इसमें हमारा हाफ हाफ इंच कपड़ा है वो सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसलिए हमें लेंथ को यहाँ पर 1 इंच बढ़ा देना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, मैंने ऊपर से इसको यहाँ से एज इट इज़ ड्रॉ किया है, और आर्म होल की तरफ से मैंने इसको 1/2 इंच बढ़ाया है, यहाँ से मैंने इसको 1.5 इंच बढ़ाया है, और इसकी लेंथ है इसको मैंने यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया है। अभी बैक पार्ट को यहाँ से हम हटा देंगे, और यहाँ पर देखिए हम शोल्डर एंड आर्म होल्स के लिए फिर से निशान लगा लेंगे। अभी यहाँ पर हम आर्म होल में देखिए आधा इंच की गहराई करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान रहे ज़्यादा गहराई ना करें, सिर्फ 1/2 इंच जितनी यहाँ पर हमें गहराई करनी है, और यहाँ पर भी देखिए आर्म होल से हम शेप दे देंगे। तो अभी निशान्स को भी हम यहाँ से कट कर लेंगे, हमने जो यहाँ पर मार्किंग की है इसको। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो ऊपर से देखिए हम यहाँ पे 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। अगर ये ब्लाउज आप छोटी साइज़ के लिए बना रहे हैं जैसे 34-36, तो बेल्ट के लिए निशान आप 12.5 इंच पर लगा सकते हैं, ये एक हैवी साइज़ का ब्लाउज है, तो हमें यहाँ पर देखिए बेल्ट के लिए 13.5 इंच पर निशान लगाना है, और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन के ऊपर हम 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से हम गोलाई कर देंगे, फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ से बेल्ट को हम कट कर लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो टक्स के लिए हम यहाँ पर देखिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे, जो हम यहाँ पर बीच में टक्स लगाते हैं, ये चेस्ट का हमेशा हम 1/10 भाग लेते हैं, तो 40 का 1/10 भाग हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और नीचे से टक्स की हाइट देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे, देखिए। और देखिए इस टक्स के हम दोनों तरफ 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और इन निशान्स को इस तरीके से मिला देंगे। और जो आर्म होल की तरफ हम टैक्स लगाएंगे ये हम यहाँ पर 20 सेंटर में निशान लगा लेंगे, और जो हमने नीचे की तरफ टैक्स के लिए निशान लगाया है इस टैक्स से हम 2.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, और यहाँ पर इस टैक्स का भी निशान लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए कोने से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और इन दोनों टक्स से यहाँ पर फिर से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से, और इस वाले निशान को आपस में मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये टक्स लगाने का बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज में टक्स लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए हम नेक विड्थ के लिए निशान लगा लेंगे, और नेक लेंथ के लिए भी यहाँ पर देखिए 6 इंच पर निशान लगाया है मैंने, और नेक विड्थ के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाया है। और नीचे से भी देखिए नेक को हम ब्रॉड रखेंगे, नीचे से मैंने यहाँ पर देखिए नेक को 3 इंच रखा है, और यहाँ पर भी हम इसमें गोलाई कर देंगे। आप यहाँ पर चाहो तो कोई डिफरेंट डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो इसमें। और जो हम यहाँ पर हुकाई पट्टी की साइड जो टक्स लगाते हैं ये यहाँ पर हमें 20 सेंटर में लगा लेनी है, ये वाली टक्स देखिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इन टक्स के बीच की दूरी 2.5 इंच रखनी है, इसी जो हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आती है। तो देखिए यहाँ पर जो हम ये टैक्स लगाएंगे हैवी टैक्स बीच वाली, तो जो हमारा बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो देखिए हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए बैक पार्ट के आर्म होल्स नाप लेंगे, ऊपर की तरफ से 1/2 इंच जितनी जगह छोड़ते हुए हमें आर्म होल्स को नाप लेना है।
आर्म होल्स हमारे यहाँ पे देखिए 8.5 इंच आ रहे हैं, तो इसमें देखिए हम 1/2 इंच लूज करेंगे इसको, तो 9 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस बचे हुए कपड़े से हम यहाँ पर देखिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसमें से कपड़े को देखिए हमें एक बार फोल्ड कर लेना है, दोनों स्लीव्स की हम साथ में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, हमारे स्लीव्स की तैयार लेंथ है यहाँ पर 10.5 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से देखिए हम एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे, स्लीव्स को हम यहाँ पे 3 इंच डाउन करेंगे। और इन स्टेप को देखिए इस तरीके से हम तिरछा रखेंगे, और जितने भी आपके ब्लाउज का आर्म होल है उतना यहाँ पर निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमें स्लीव का शेप दे देना है देखिए, और यहाँ से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे इसमें। यहाँ पर हम स्लीव्स की मोरी का निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी इसमें सिलाई मार्जिन रख लेंगे। तो देखिए गाइस ये बहुत ही इजी तरीका है इस तरीके से स्लीव्स को कट करने का। तो अभी इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। और देखिए फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई कर देनी है इसमें, तो 1/2 इंच पे निशान लगाते हुए देखिए हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे, और इसको भी देखिए कट कर देंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइलो बुटीक। एंड गाइज आप 4 टक्स ब्लाउज़ की अगर स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो इसका मेरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज़।